ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात लोगों में फैले अंधविश्वास की। भक्त नदी में आस्था के लिए डुबकी लगाते हैं। कोई कहता है कि इससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, कोई कहता है इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो कोई कष्ट दूर करने की बात कहता है। लेकिन अगर यही आस्था अंधविश्वास का रूप ले ले तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, प्रदेश इतना आगे बढ़ रहा है, लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि छोटे से छोटे बीमारी के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। मानसिक रूप से बीमार और अपने शरीर से लाचार लोगों को अंधविश्वास के नाम पर लगवाई जाती है डुबकी, और मान्यता है कि इस डुबकी से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या विज्ञान के इस युग इस अंधविश्वास पर भरोसा किया जा सकता है? जोधपुर के मसूरिया रोड पर इन दिनों बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं इसी बीच ऐसी परंपरा है कि रामदेवरा जाने से पहले भक्त बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और वहीं गुरु बालीनाथ के मंदिर परिसर में बनी पर्चा नाली कुंड में भक्त डुबकी भी लगाते हैं। वही ये डुबकी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि पर्चा नाली कुंड में डुबकी लगाने से बुरी आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही साथ अंधे को आंख और विकलांगों को पैर तक यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। साथ ही स्थानीय मंदिर प्रशासन भी इस मान्यता को मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि विज्ञान के इस हाईटेक युग में सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आ रहे लोगों कैसे इन बातों पर ये भरोसा करते हैं, और क्या ये इनकी आस्था है या फिर अंधविश्वास? तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां आस्था के नाम पर किस प्रकार से अंधविश्वास यहाँ पर फैलता जा रहा है। नदी में डुबकी लगाने से सभी इंसानों के दुख दूर हो जाते हैं, भूत प्रेतों से छुटकारा मिल जाता है, दिव्यांगों को यहाँ पर सहायता मिल जाती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिनके पैर नहीं होते उनका पैर उन्हें पैर मिल जाता है, और जो परेशान होते हैं उनकी सभी परेशानियां यहाँ दूर हो जाती हैं महज एक कुंज में डुबकी लगाने से। इस कुंज की ये मान्यता है, और इतना ही नहीं कि इस कुंज में मंदिर के पंडित ही ये बात कहते हैं, बल्कि आपको बता दें रामदेवरा जाने से पहले यहाँ पर सभी यात्री पहुँचते हैं, सभी दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके बाद डुबकी का ये मंजर चलता है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो इसे लोगों की आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, जहाँ साफ तौर पर यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ महिलाओं को डुबकी लगवाई जाती है, ये कहा जाता है कि इस डुबकी से प्रेतात्माओं का साया जो उन पर बना हुआ है, लोगों का ये कहना है कि ये दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं कि यहाँ मंदिर परिसर में ही इस मान्यता को माना जाता है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए डुबकी लगाते हैं। अभी एक जना अपनी पत्नी को बालों से पकड़ पकड़ के स्नान करा रहा था, अंदर डुबकी लगा रहा था। कुछ होगा, मैं तो जमीन ऐसे थोड़ी करेंगे, कोई बालों से पकड़ के अपनी पत्नी थी, पता नहीं बहन थी, उसको स्नान करा। जैसा कि आप देख रहे हो कि औरतें खेल रही है और इनके जो भी जड़ पीड़ा है वो दूर हो रही है, और यहाँ से यहाँ आने से सारे जो मन में जो भी भावना है, जो भी रोग दोग है वो मिट रही है, और सब यहाँ से सबकी जो भी जड़ पीड़ा होती है वो मिट जाती है। आप भी डेली से पैदल आ रहे हैं? हाँ, मैं डेली से पैदल आ रही हूँ, और यहाँ भोग लगा के मैं रामदेवरा जाती हूँ। पर्चा नाटी का भी बहुत महत्वपूर्ण महत्व है, उसमें कईयों की जैसे शारीरिक कष्ट होते हैं, किन्हीं की आंखें नहीं होती हैं, किन्हीं के पैरों की प्रॉब्लम होती है, किन्हीं के चमड़ी की प्रॉब्लम होती है, कि स्किन प्रॉब्लम होती है, तो इस जल को लगाने और उसको आस्का को ग्रहण करने से वो शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। कईयों की आंखें भी आई हुई है। आज से 5 साल पहले जोधपुर में रेलवे में ADM रहे हुए उनकी पत्नी की भी आंखें इस जल के द्वारा ही आई थी, ये सबकी मान्यता। तो आपको बता दें इसे आस्था कहा जाए या फिर अंधविश्वास, जहां लोगों पर अंधविश्वास का ये साया इस कदर हावी है कि यहां आस्था के नाम पर लोग डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद ये भी कहा जाता है कि सभी दूर कष्ट यहां पर दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ भूत प्रेत अगर किसी पर साया है तो वो भी सही हो जाता है, आंखें अगर किसी की खराब है तो वो भी सही हो जाती हैं, साथ ही साथ अगर कोई दिव्यांग है तो उसके हाथ और पैर भी ठीक हो जाते हैं, ये भी यहाँ पर मान्यता है। जोधपुर से संवाददाता शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी शिव प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ मान्यता है इस कुंड की?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ रामदेव जी का मंदिर है वहाँ ऐसा मान्यता है कि बाबा रामदेव के गुरु थे बालीनाथ, उनकी यहाँ समाधि है और समाधि के पास एक नाडी बनी है जिसका नाम ही पर्चा नाडी है जी। और ऐसी मान्यता है कि जो भी रामदेव राज आते हैं वे श्रद्धालु यहाँ पहले दर्शन करते हैं और पर्चा नाडी में डुबकी लगाने के बाद ही आगे रामदेवरा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो भक्तों की ये कहना है कि यहाँ अगर जिस चर्म रोग है, यदि किसी की नेत्रहीन है और या फिर जिसको भूतप्रेत जताया है, तो सभी बीमारियां यहाँ डुबकी लगाने से ठीक हो जाती है जी। जी वही ये मान्यता यहाँ पर बताई गई है। अगर बात करें सच्चाई की तो इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई यहाँ पर देखी जा रही है जी, इस बात की कितनी सत्यता है ये क्या पहला तो काफी मुश्किल है, क्योंकि आज के विज्ञान के इस युग में भी जिस तरह से इनकी आस्था है इन्हें कहीं ना कहीं इस तरह अपन जो भी है इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की आस्था है उसको लोगों को यह दृढ़ विश्वास है कि उनकी जो बीमारी है वह उनकी डुबकी लगाने से ठीक होगी। तो इसकी सत्यता के जो मानक है वह श्रद्धालु है उनके नजर से देखा जाए तो उनको यहाँ 100% परिणाम मिलते हैं जी। वही शिव प्रकाश, जब इस मामले में हमने जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहकर फोन यहाँ पर काट दिया कि वो बिजी है, अभी मीटिंग में है, बात नहीं कर सकते। तो क्या कुछ माना जाए, जिला कलेक्टर भी यहाँ पर इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, अंधविश्वास ही या कहा जा सकता है या फिर आस्था है, क्या कुछ माना जाए यहाँ पर? जी निश्चित रूप से जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बात करें तो उनका सभी का जो है मानना है कि अंधविश्वास ये एक तरह से अंधविश्वास है, लेकिन लोगों की आस्था के आगे उनकी भी नहीं चलती है तो वह उन श्रद्धालुओं को रोक भी नहीं पाते हैं और कुछ बयान आधिकारिक बयान देने से भी कतराते हैं और इसी कारण जिला कलेक्टर ने इस तरह के किसी भी बात जी वही श्रद्धालुओं को रोका जाना मुमकिन नहीं है, आस्था को यहाँ पर रोका जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि आस्था उनके मन में होती है, लेकिन क्या यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश नहीं की जा रही? जिला स्तरीय लेवल की अगर बात करें तो क्या श्रद्धालुओं को जागरूक करने की कोशिश यहां पर नहीं होती है? जिस प्रकार से तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के बालों को पकड़कर यहां पर डुबकी लगवाते हुए लोग नजर आ रहे हैं जी, लोगों की आस्था के आगे जो है वह कानून के सारे नियम है वह जो है ताक पर रख दिए जाते हैं और किसी की भी जो श्रद्धालुओं के सामने चाहे पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन इस तरह की जहमत नहीं उठाता है और वह सभी यही सोचते हैं कि जो 15 दिन का मेला है उस मेले को शांतिपूर्वक जी निपटा लिया जाए। शुक्रिया शिव प्रकाश सब पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें यहाँ पर आस्था का सैलाब लोगों का मन में उमड़ता है लेकिन उसके बाद भी यह आस्था अंधविश्वास का रूप लेती है और अंधविश्वास भी इस कदर तक हावी है कि कहा जाता है कि एक डुबकी से ही भूत पिशाच दूर हो जाते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।